बॉस पे मधुरिमा तुलिका कूटा और गुस्सा। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में विशाल आदित्य सिंह के बिग बॉस में उसके और मधुरिमा तुली के बीच हुई लड़ाई को लेकर शो के होस्ट रोहित शेट्टी काफी टाइम खिंचाई करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विशाल और महक चहल ने बिग बॉस 13 के फ्राइंग पैन से विशाल पर हुआ अटैक को फिर से केप टाउन में रिक्रिएट किया। हालांकि ये सब मजाक मस्ती में किया था, लेकिन अब इस पूरे सीन को और कलर्स टीवी द्वारा बार बार इस घटना का जिक्र किए जाने पर मधुरिमा तुली ने आपत्ति जताई है। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में मधुरिमा तुली चैनल को हाथ जोड़कर इस बात की विनती करती हुई नजर आ रही है। हाय गाइस, सो ये मैसेज कलर्स चैनल के लिए है। डियर कलर्स चैनल, ऑनेस्टली मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने आपके साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं, मैंने आपके साथ चंद्रकांता किया है, मैंने आपके साथ 24 किया है, मैंने आपके साथ बिग बॉस किया है, और सारे शोज में मुझे करके बहुत मज़ा आया है। बट एक बात का मुझे आई एम वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि एक इंसिडेंट जो हुआ है, आप उसको खींचे जा रहे हो अपनी टीआरपी के लिए, अपने गेम के लिए, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि दूसरों की फैमिली में क्या बीत रही है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो लोग कितने डिप्रेस्ड हो रहे हैं या कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं उस इंसिडेंट को बार बार देख के। वो लोग भूलना चाह रहे हैं, लेकिन आप भूलने नहीं देना चाह रहे हैं। और उसी घर में और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि गर्म चाय फेंकना, धक्का मारना, मुक्का मारना, कपड़े फाड़ना, गालियाँ देना, बड़ी बड़ी गालियाँ देना, लेकिन उस चीज़ को कोई रिपीट नहीं कर रहा है। लोग, वही लोग आपके शो में आके होस्ट करके जा रहे हैं, इज्जत कमा के जा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग तब क्यों नहीं करते कि जब वहाँ पे कोई आता है, वही लोग जब आते हैं आपके शो में होस्ट करने के लिए, उनके ऊपर चाय फेंक दो या कुछ कर दो, कुछ ऐसा इंसिडेंट रिपीट कर दें आप जो उस बिग बॉस के घर में हुआ था, तो फिर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ना, कि मतलब हाँ ठीक है, सबके साथ ही वो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं कर रहे हैं। आप या तो मेरे साथ इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि मेरे फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होगा, तो बात दब के रह जाएगी, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितनी गलत बात है, दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं आप लिटरली, एंड वही चीज़ हाईलाइट कर करके आप मुझे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस सबको बहुत बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये चीज़, ये तो आपके ऊपर है, आप दिखाएं ना दिखाएं, बट मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप ये चीज़ बार बार ना दिखाएं। इंसान भूलना चाह रहा है वो चीज़ और मूव ऑन करना चाह रहा है, कुछ अच्छे काम करना चाह रहा है, और मैंने बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अच्छे काम बहुत किए हैं आपके साथ, किए हैं चैनल कलर्स चैनल के साथ बहुत अच्छे काम किए हैं। सो मैं नहीं चाहती कि लोग वो चीज़ बार बार याद रखें। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, उस घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अगर दोहराना है तो सारी चीज़ें दोहराएं। थैंक यू। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मधुरिमा तुली की बात से आप कितना अग्री करते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।